तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि सर, न्यू बैच ऑनलाइन कब से प्रारंभ कर रहे हैं। जब से मैं ऑफलाइन का वीडियो बनाया कि मैं 19 जनवरी से ऑफलाइन का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, तब से बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर, ऑनलाइन बैच कब से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा, यदि 12वीं में वे आर्ट्स ले रखे हैं और 2023 में एग्ज़ाम देना है, 22 में नहीं बल्कि कब देना है, 23 में एग्ज़ाम देना है, उनके लिए जो न्यू बैच है 12वीं का ऑनलाइन, वो 1 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। कब से प्रारंभ हो रही है? तो प्यारे बच्चों, 1 जनवरी से। ठीक है, आज आपका 30 दिसंबर हो गया है, कल 31 है, परसों आपका 1 जनवरी है। ठीक है, यूं तो मैं 3 जनवरी को प्रारंभ करने वाला था, क्योंकि 1 जनवरी शुभ दिन है, इसलिए मैं 1 जनवरी को न्यू बैच प्रारंभ कर रहा हूं। ठीक है, तो 1 जनवरी से ज़्यादा नहीं, आपका बेसिक आपको चलेगा, बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा 1 जनवरी से। ठीक है, क्योंकि उस बीच क्या है कि 12th वाले बच्चों का जो 22 सत्र के बच्चे, उनका एग्ज़ाम भी है, इसलिए मुख्य तौर पे आपका जो 20 जनवरी है, ठीक है, 20 जनवरी तक आपका पूरा बेसिक चलेगा। उस बेसिक के क्लास में मैं आपको 2 क्लास प्रत्येक दिन है ना लूँगा, एक खास करके हिस्ट्री हो गया। ठीक है, जो भी बेसिक जानकारी, चाहे वो हिस्ट्री का है या मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस का है, साइकोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का है या इंग्लिश का है, सभी मैं बेसिक जानकारी दूंगा। ठीक है, तो फाइनली यदि मैं बात करूं तो न्यू बैच का, तो 1 जनवरी से आपका प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बैच है ऑनलाइन बैच, कि कौन सा बैच है? ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन। ठीक है, 1 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। किन बच्चों के लिए? तो जो बच्चे बिहार बोर्ड से आर्ट्स की परीक्षा 2023 में देंगे, उनके लिए। ठीक है, अब मैं आर्ट्स में क्या पढ़ाऊंगा? तो प्यारे बच्चों, मैं आर्ट्स में आपको सभी विषय पढ़ाऊंगा। ठीक है, सभी विषय पढ़ाऊंगा, कुल मिलाकर के 11 विषय पढ़ाऊंगा। कितना? 11। ठीक है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में 2 सब्जेक्ट, बाकी आपका जो हो जाएगा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है, और अर्थशास्त्र, ये सभी विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये बात अलग थी कि अब बहुत बच्चे कमेंट करके भी बताएंगे कि सर, 2020 जो 22 सेशन है वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया। ठीक है, आधा पढ़ाने के बाद जो है पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते ही हैं, मेरी सिस्टर काफ़ी बीमार पड़ गई थी, 4 मंथ तक मैं चेन्नई में रहा। ठीक है, फिर 2 मंथ में आपको लगभग कोलकाता में रहा, तो 6 मंथ में सिस्टर को उपचार ही करा रहा, तो जिस कारण मैं खुद ही परेशान हो गया था, ऑफलाइन भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया था। ठीक है, तो इसलिए जो 2020 सत्र है काफ़ी बेकार गया। ठीक है, लेकिन जो 2023 जो सत्र है, इस सत्र को मैं आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको प्यारे बच्चों नहीं होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी से आपको फाइनली यह बैच आपको प्रारंभ हो रही है। विषय मैं कौन कौन सा पढ़ाऊंगा, मैं आपको विषय लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत बच्चे कॉल करके बोलेंगे। ठीक है, विषय में देखिए, भाषा, भाषा में मैं 2 पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी लैंग्वेज जो पेपर है, एक तो हो गया हिंदी, ठीक है, और दूसरा आपको हो गया अंग्रेजी। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी अंग्रेजी हो गया, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इतिहास, ठीक है, राजनीति विज्ञान, ठीक है, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संगीत, दर्शन शास्त्र। ठीक है, और उसके बाद गृह विज्ञान, ये सभी विषय प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये जो चैप्टर वाइज जो आपको स्टार्ट होगा, चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों आपका स्टार्ट होगा 19 जनवरी से। ठीक है, 19 जनवरी से पहले सभी का बेसिक आपको चलेगा, और जो भी बेसिक रहेगा उसका पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो
अब प्रश्न आता है कि सर फी क्या रहेगी, टाइम टेबल क्या रहेगी। तो फी में मैं आपको प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं कि पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का मात्र फी 1 जनवरी तक, कितने जनवरी तक प्यारे बच्चों, 1 जनवरी तक आपको 1000 फी लगेगा। ठीक है, मैं आपको अच्छे से स्पष्ट करके लिख दूं, ठीक है, फी जो है 1000 रुपये लगेंगे। कब तक लगेंगे? 1 जनवरी तक। यदि आप 1 जनवरी तक एडमिशन करवा रहे हैं तो मात्र आपको 1000 रुपये लगेंगे। 1 जनवरी के बाद जो है आपको जो फी सभी विषय का पूरे साल का 1500 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब इस 1000 में प्यारे बच्चों मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, यानी ये जो फी है मात्र आपको एक ही बार देना है, दोबारा आपको फी नहीं देना है, पूरे कोर्स का सभी विषय का इस 1000 में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज मैं आपको सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज मैं आपको समझाऊंगा, समझाने के बाद फिर मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगा। ठीक है, और प्रश्न उत्तर मैं क्या करूंगा, उसका PDF फाइल आपको दे दूंगा। ठीक है, प्रश्न उत्तर, अब देखिए समझाने के लिए वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, समझने के बाद फिर आपको प्रश्न उत्तर लिखना है ना कॉपी में, तो कॉपी में लिखने के लिए मैं चैप्टर वाइज उसे PDF फाइल बना करके किसको, तो लघु प्रश्न को, ठीक है, दीर्घ को, दीर्घ प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन तीनों प्रश्नों का PDF फाइल मैं चैप्टर वाइज आपको दूंगा। समझ गए? ठीक है, पहले तो चैप्टर वाइज समझा दूंगा, लेक्चर ले लूंगा, फिर प्रश्न उत्तर PDF फाइल में दे दूंगा, इस प्रश्न उत्तर को भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर वाइज प्रश्नों में आपको MVBI और VBI प्रश्नों को चिन्हित कर दूंगा, और ये MVBI VBI चिन्हित होगा 2023 के एग्जाम के लिए। किस एग्जाम के लिए? तो 2023 एग्जाम के लिए आपको चिन्हित होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आप पढ़ने में कमजोर हैं, याद नहीं हो पा रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। चैप्टर वाइज जो मैं MVBI VBI जो मैं चिन्हित करूंगा, आपको इसको घोड़ के पी जाना है, आपको आसानी से 85% से अबव आएगा, एक नंबर कम नहीं आएगा। यदि आप सिर्फ MVBI चैप्टर वाइज ही पढ़िएगा ना, 75% से बाबू ज्यादा आएगा। ठीक है, उसके बाद इतना कराने के बाद मैं आपको निःशुल्क अक्टूबर में गैस क्वेश्चन भी दूंगा। क्या दूंगा? गैस क्वेश्चन निःशुल्क दूंगा, जो इसी गैस क्वेश्चन का 5 सब्जेक्ट का भी जो मैं आपको 500 रुपये चार्ज जो मैं कर रहा हूं, मैं आपको उस टाइम बिल्कुल फ्री दूंगा, निःशुल्क देगा। जो बच्चे शुरू में ज्वाइन किए थे, आज भी मैं उन बच्चों को फ्री में गैस क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं, फ्री में दिया हूं। ठीक है, तो ये गैस क्वेश्चन भी आपको फ्री में दिया जाएगा, और ये गैस क्वेश्चन 100% टकराएगा। ठीक है, उसके बाद जो मैं क्लास में ऑफलाइन में टेस्ट एग्जाम लेता हूं, टेस्ट एग्जाम क्वेश्चन, ये भी मैं टेस्ट एग्जाम क्वेश्चन भी आपको PDF फाइल में दूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम आपसे मैं लूंगा। ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम भी मैं आपसे लूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ठीक है प्यारे बच्चों, तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है अभी ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन आपको प्रारंभ हो चुका है। 1 जनवरी तक मात्र 1000 रुपये लगेंगे, 1 जनवरी के बाद ये जो फी बढ़ करके प्यारे बच्चों 1500 रुपये हो जाएगी। कितने रुपये हो जाएगी? 1500। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है,
70 61 50 45 52 इस नंबर पर कॉल करिए, ठीक है। कॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का सिंपल साधारण तरीका क्या है कि इस नंबर पे, यानी 70 61 50 45 52 इस नंबर पे गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आप हमें 1000 रुपये भेजिएगा, ठीक है। पेमेंट भेजना है, भेज करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, ठीक है, या उस समय कॉल करिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे मैं आपको सारा टाइम टेबल दे दूंगा, बेसिक जो भी नोट्स है बेसिक नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, और बेसिक नोट्स के साथ साथ एक एक अध्याय का कंप्लीट सभी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और नोट्स भी दे दूंगा। इस बार मैं नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। तो यहां तक तो हो गए प्यारे बच्चों स्टूडेंट के लिए, ये फॉर्मेट है स्टूडेंट के लिए। यदि आप टीचर हैं, नए टीचर हैं, तो नए टीचर के लिए भी इस बार मैंने कुछ प्रोग्राम निकाला हूं। तो यदि आप नए टीचर हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं अपने क्षेत्र में, नए नए हैं, उतना समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं, ठीक है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वैसे टीचर भी हमसे जुड़ सकते हैं। वैसे टीचर हमें कॉल करें 70 150 45 52, ठीक है। उनके लिए फी, टीचर के लिए फी आपको रहेगा मात्र 2000 रुपये, टीचर के लिए ये फी है। उस टीचर को, जो भी टीचर हमसे ज्वाइन करेंगे उन टीचर को स्पेशल नोट्स दिया जाएगा समझाने के लिए कि बच्चों को कैसे समझाना। यदि आप टीचर हैं तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, क्योंकि बहुत सारे टीचर भी हमसे मेरे संपर्क में थे, बहुत सारे टीचर कॉल किए, नोट्स परचेज किए, बहुत तरह का रिक्वायरमेंट था पिछले वर्ष, इस वर्ष कंप्लीट कर लिया गया है, इसलिए टीचर के लिए भी नया प्रोग्राम निकाला गया। यदि आप टीचर हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।